राजघराने की बहू होती माधुरी, अगर बॉयफ्रेंड ने न की होती वो गलती। एक समय था जब बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के लिए बहुतों का दिल धड़कता था, लेकिन वो खुद एक जमाने में किसी और के ही प्यार में दीवानी थी। कौन था वो शख्स, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। दरअसल अपने एक्टिंग और डांस के बलबूते करोड़ों दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित असल में एक जमाने में क्रिकेटर अजय जडेजा के प्यार में थी। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का ये रिश्ता शादी के मुकाम तक पहुंचने वाला था। अजय जडेजा जहां जामनगर की रॉयल फैमिली से आते हैं, तो वहीं वो राजकुमार से शादी कर राजकुमारी बनने के सपने देख रही थी। लेकिन अजय के करियर में लगे एक दाग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्रिकेटर की एक गलती से माधुरी से उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। कहा जाता है कि अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी। ये मुलाकात दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदलती चले गई। बता दें कि अजय जडेजा गुजरात के शाही परिवार से आते हैं। राजा रंजीत सिंह जी उनके पिता के दादा थे और जिनके नाम पर देश का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी खेला जाता है। लेकिन अजय जडेजा की रॉयल फैमिली को माधुरी दीक्षित से उनकी ये करीबियां बिल्कुल रास नहीं आई। उनके मुताबिक इस रिलेशनशिप का असर उनके परफॉर्मेंस और उनके खेल पर भी पड़ रहा था। इससे पहले कि दोनों फैमिलीज के बीच सब कुछ ठीक होता, साल 1999 में जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया, जिसके चलते बीसीसीआई ने उन पर 5 साल का बैन लगा दिया। इस मामले का देश पर इतना गहरा असर हुआ कि अजय जडेजा की पुतले तक जलाए गए। हालांकि जनवरी 2003 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बैन हटा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी। इस समय तक माधुरी का परिवार भी उन दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ हो गया था और आखिरकार माधुरी और अजय जडेजा का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद उनकी शादी अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई, वहीं अजय ने अदिति जेटली से शादी कर ली। तो अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित के इस अधूरे प्यार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स।